हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियो मेरे इस सूरज पटेल एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और आजकल काफ़ी मैं न्यू वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड है, तो मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी का। दोस्तों जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ इन्फॉर्मेशन लाया है, कुछ नोटिस लाया है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये नोटिस दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, तो चलिए हम नोटिस को आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पहले ऊपर दिख रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ओपनिंग लर्निंग, ठीक है, जो आइडियल्स का है। और ये कौन से ब्रांच का? सांताक्रूज, ठीक है। आइडियल आपको पता है सांताक्रूज का। और ये मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का ही ये नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उनके ही वेबसाइट से लिया गया है। तो दोस्तों जैसा इधर जो मेन नोटिस है वो ये है, देख लेते हैं। नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर जनवरी 2020 सीजन, ठीक है। तो एकेडमी जो है आपका जैन 2020, मतलब ये जो अभी नया साल चालू हुआ है, जनवरी अपना चल रहा है, ठीक है, जनवरी, तो इस समय का जो नया अपडेट आया है मुंबई यूनिवर्सिटी का वो ये है दोस्तों कि आप लोग का प्रोग्राम, पहले आप प्रोग्राम देख लीजिए, आपको ऑनलाइन एडमिशन अवेलेबल हो चुका है। आपका प्रोग्राम है FYBA, अगर आप BA के स्टूडेंट हो या BCOM के स्टूडेंट हो, ठीक है, BCOM या BA के स्टूडेंट हो तो आप लोग ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हो। जैसे इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है, 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का है। अगर आप पार्ट वन MA, ठीक है, या MCOM के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप लोगों का भी चालू हो चुका है एडमिशन ऑनलाइन। लेकिन MCOM पार्ट टू के दोस्तों का अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो उन लोगों को शायद कुछ समय वेट करना होगा। आप लोगों को शायद ये वीडियो के बाद क्वेरी आ सकती है जो MCOM पार्ट टू के, तो दोस्तों आप लोगों का अभी कुछ टाइम के बाद आने वाला है, अभी तक तो फिलहाल नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही आएगा मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो न्यू व्यूवर्स है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जो BA है, जो BCOM है, जो MA है या MCOM पार्ट वन के जो स्टूडेंट है, MA पार्ट वन के जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। 21 तारीख से चालू हो रहा है। आज मेरा वीडियो 22 तारीख को मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, कल ही बना देता था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज बना रहा हूँ। और ये 30 जनवरी तक ही लास्ट डेट है, इसके बाद का कोई आगे का अपडेट आया नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी फिर से आपको मौका देगी, आई होप कि आप लोगों को फिर से मौका देगी, क्योंकि काफ़ी लोग इसी दौरान, जरूरी नहीं कि भर दे, तो मुंबई यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी कि आप लोगों को दोबारा मौका भी देती है। अच्छा, अभी आप लोग सोचोगे बस 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 सर हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया अब हम चले जाते। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। पहले तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी कैटेगरी भी बता देता हूँ जो मुंबई यूनिवर्सिटी के नोटिस के द्वारा आई हुई है। साथ ही साथ मैं ये वीडियो में बताऊँगा आप फॉर्म कहाँ से किस लिंक पर क्लिक करके अप्लीकेबल कर सकते हो। और ये जो PDF मेरे सामने आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि दोस्तों इधर आपको मैं इधर इनका कंडीशन एलिजिबिलिटी है, इधर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी, अगर आपको FYBA या FYBCOM में जाना है प्रोग्राम में तो आपका SSC मतलब 10th प्लस 12th क्लियर होना चाहिए, आप उसमें पास होना चाहिए उस एग्ज़ाम में, तभी आप BA BCOM में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कैसे फिर भी मुंबई यूनिवर्सिटी अपने तरफ से हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप एडमिशन ले रहे हो MA या MCOM पार्ट वन में, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए होना चाहिए, ठीक है, आप मतलब TY BCOM हो BA हो जो भी आपने किया हो आप उस फील्ड से वो किए हुए होने चाहिए। बाद में आपको कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट, आपका जो मार्कशीट है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपको ओरिजिनल ही दिखाना है, मतलब आपको वेरीफाई करना है, उसमें आपको अपलोड करना है। देन फिर क्या है, द स्टूडेंट एडमिटेड फॉर द जनवरी सीजन, दिस इज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। और ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है? अक्टूबर नवंबर 2020 में। जो आप अभी फॉर्म भर रहे हो इसका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। देन हाँ, और मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, तो जो भी इसके लिए अप्लीकेबल है SC ST कास्ट OBC कास्ट वाले वो ये फॉर्म भर के भी आप कर सकते हो, ठीक है, स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों इधर बता देता हूँ, देखिए 20 जनवरी को ये नोटिस रिलीज हुआ था, जिन्होंने दिया था वो कविता मैम है, डॉक्टर कविता मैम,
ठीक है, जो डायरेक्टर है वहाँ के। तो दोस्तों आप, आई होप कि आप लोगों के पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट बात है कि ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप कहाँ से लोगे। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि हमको एडमिशन करना है तो उसका लिंक क्या है, देखिए इधर दिखा हुआ है, डिटेल ऑनलाइन एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि क्लिक करके आपको डायरेक्ट वो वेबसाइट ओपन होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप नॉर्मल गूगल पे चले जाना, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मेरा एक वेबसाइट है www.surajpatel education, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही है .com, ठीक है। सर्च करना, आप लोगों के सामने ऐसा आ जाएगा, और शायद हो सके तो मेरे लैपटॉप पे ओपन है इसके लिए डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन शायद आप लोगों को डायरेक्ट ना आए तो उधर आपको SP लिख के आएगा, जहाँ SP लिख के आएगा और मेरा ये वेबसाइट रहेगा सूरज पटेल एजुकेशन, उस पर क्लिक करना। आपको मेरा ये आपको दिख रहा है डिस्प्ले में जैसा है सेम आपको दिखेगा। आपको यहाँ से नीचे आना है, या तो आप ऊपर ही इधर MCOM लिखा हुआ है, MCOM पार्ट वन में क्लिक कर देना तब भी आपके सामने आ जाएगा, नहीं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के नोटिस में तो आप इधर मत क्लिक, सॉरी सॉरी मैंने कट कर दिया। ओके बेटा दोस्तों एक मिनट एक मिनट, हाँ देन आप इधर आ जाइए, आप नीचे ही आ जाना, आपको पहला पोस्ट वही मिल जाएगा, हल्का सा नीचे आ जाना, इधर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन ऑन January 2020, इसके ऊपर क्लिक करना दोस्तों। देन आप हल्का सा नीचे आ जाना, इधर आपका नोटिस चालू हो जा रहा है, ये देखिए इधर नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन January 2020 सीजन। अगर दोस्तों आपको अमेजोन से कोई भी बुक्स परचेस करना है तो मेरे इस लिंक पे क्लिक करना, आप सीधा अमेजोन के साइट पे चले जाओगे और उधर से बुक्स सर्च करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इधर से नीचे आ जाओगे, इधर आपको दिखेगा, देन फिर मैंने काफ़ी कुछ डिटेल इधर लिखा हुआ है, इधर आप देखोगे तो डिटेल लिखा हुआ है। देन फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने इधर लिखा हुआ है, देखिए जो जो प्रोग्राम था वो मैंने इधर लिखा हुआ है हिंदी एजुकेशन करके, फिर जो तारीख था वो लिखा हुआ है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, सर हमको ये सब नहीं सुनना है, हमको तो ये सुनना है कि इसका हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ठीक है, हम इस PDF को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ पढ़ लेना, आप लोगों के लिए ही लिखा हुआ है और जो आपको बेनिफिट देंगे। देन ऐसा नीचे आ जाना, इधर लिखा हुआ है दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे क्लिक करो, तो इसे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये PDF आ जाएगा और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट से ही लिंक है, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर आपको एडमिशन करना होगा तो आपको कहाँ जाना है दोस्तों, यही पोस्ट में आप ऊपर चले जाना, आपको ऊपर ही, फॉर एग्जाम्पल आप इधर हो, ठीक है, इधर से आपका ये चालू होता है, इधर से हल्का ही नीचे आपको आने का है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी चालू हो रहा है, देन इधर से और हल्का नीचे इधर लिखा हुआ है, इधर मैंने कलर भी देखे रखा है उसको, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना, आप डायरेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे आ जाओगे जहाँ से आपको एडमिशन करना है। देन उसके बाद एडमिशन के लिए आपको ये देखिए December-January 2020 लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके जो न्यू आया हुआ है क्लिक करके आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे इस वीडियो को कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ दोस्तों लाइक करना भूलिए नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।